नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि चीन ने पिछले 2-3 दशकों में आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में बहुत तेज़ी से विकास किया है, जिस कारण से चीन आज दुनिया में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के तौर पर जाना जाता है। आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि चीन की आबादी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, जिस कारण से आबादी के मामले में चीन पूरी दुनिया में पहले नंबर पर आता है। आप सब लोग इस बात को भी बहुत अच्छे से जानते ही होंगे कि अपनी बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिए चीन ने अपने देश में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की थी। एक हद तक तो चीन की वन चाइल्ड पॉलिसी काफी सकारात्मक रही थी, लेकिन उसके बाद चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी उसके गले की हड्डी बनने लगी, क्योंकि वन चाइल्ड पॉलिसी के काफी नकारात्मक परिणाम देखने को मिले। आज चीन की वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण लगभग 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग चीन में ऐसे हैं जिन्हें अपने लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही है, और वो लोग अपनी लाइफ में रंडवे यानी कि कुंवारे बनकर के घूम रहे हैं। इसका सबसे मुख्य कारण यह है कि चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण चीन का लिंग अनुपात बहुत बुरी तरह से बिगड़ा। चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण अधिकतर लोग अपने घर में लड़के को जन्म देना ही सबसे अच्छा मानते थे, जिसके कारण से चीन का लिंग अनुपात धीरे धीरे बिगड़ने लगा। चीन में वो पुरुष जिनकी शादी नहीं हो पाती है उन्हें शिंगनान कहकर के पुकारा जाता है, जिसका मतलब होता है ऐसे पुरुष जिन्हें अपने लिए दुल्हन नहीं मिल रही है। आज चीन में ऐसे करोड़ों पुरुष हैं जिन्हें अपने लिए कोई भी दुल्हन नहीं मिलती है। शायद इसी कारण से आज बहुत से चीनी पाकिस्तानी लड़कियों से शादी कर रहे हैं और उन्हें बहला फुसला करके पाकिस्तान ला रहे हैं। अमेरिकी विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि साल 2030 तक चीन की आबादी का लगभग 1/4 हिस्सा कुआरे लोगों का होगा। चीन के एक 40 साल के व्यापारी ने ये कहते हुए एक मैरिज ब्यूरो पर केस कर दिया कि उन्होंने एक मैरिज ब्यूरो को पूरे $10,00,000 दिए, लेकिन 6 महीने बाद भी मैरिज ब्यूरो वाले उनके लिए कोई भी लड़की नहीं तलाश कर पाए। चीन में शादी करने के लिए तो हद तब हो गई जब दक्षिणी चीन के शहर ग्वांगगोंज में एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को एक दो नहीं बल्कि पूरे 99 आईफोन खरीद के दिए, लेकिन उसके बाद भी उसकी गर्लफ्रेंड ने उस लड़के से शादी करने से मना कर दिया। कहीं ना कहीं आज चीन की वन चाइल्ड पॉलिसी चीन के गले की हड्डी बन गई है, जिस कारण से चीन के पुरुषों को शादी करने के लिए लड़कियां नहीं मिल रही हैं और चीनी पुरुष शादी करने के लिए पाकिस्तान से लड़कियों को बहला फुसला करके या फिर खरीद करके ला रहे हैं। दोस्तों, आप लोग चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें।